दोस्तों, इस एक्टर को तो सभी लोग जानते हैं। नाम है हरीश कुमार। जन्म 1 अगस्त 1975, जगह हैदराबाद। हरीश कुमार पेशे से एक्टर और प्रोड्यूसर है और इन्होंने लगभग 280 फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल आदि भाषा शामिल है। इस वीडियो में हम केवल हिंदी मूवी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1981 में आई मूवी एक ही भूल बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.30 करोड़ और ये मूवी हिट रही। 1982 में आई मूवी फर्ज और कानून बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.75 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट रही। 1983 में आई मूवी अंधा कानून बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, बजट 2.30 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7.50 करोड़ और ये मूवी हिट रही। 1983 में आई मूवी प्रेम तपस्या बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट और ये मूवी फ्लॉप रही। 1985 में आई मूवी हकीकत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट और ये मूवी सेमी हिट रही। 1987 में आई मूवी संसार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, बजट 1.48 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.70 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट रही। 1991 में आई मूवी प्रेम कैदी, बजट 2.10 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5.90 करोड़ और ये मूवी हिट रही। 1992 में आई मूवी तिरंगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 करोड़ और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1993 में आई मूवी जख्मों का हिसाब और ये मूवी फ्लॉप रही। 1994 में आई मूवी आदमी और ये मूवी एवरेज रही। 1994 में आई मूवी क्रांति क्षेत्र, बजट 1.65 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.24 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1994 में आई मूवी द जेंटलमैन, बजट 3.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7.30 करोड़ और ये मूवी एवरेज रही। 1994 में आई मूवी बैंडिट क्वीन, बजट 3.25 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20.67 करोड़ और ये मूवी हिट रही। 1995 में आई मूवी आशिक मस्ताने, बजट 1.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.49 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। 1995 में आई मूवी जवाब, बजट 1.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.18 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में आई मूवी जन्म कुंडली, बजट 1.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.90 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। 1995 में आई मूवी गद्दार, बजट 2.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.56 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में आई मूवी कुली नंबर 1, बजट 3.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21.22 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट रही। 1996 में आई मूवी भीष्मा, बजट 2.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5.31 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1996 में आई मूवी आर्मी, बजट 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11.33 करोड़ और ये मूवी एवरेज रही। 1996 में आई मूवी मुकदमा, बजट 2.25 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.11 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में आई मूवी शपथ, बजट 2.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.70 करोड़ और ये मूवी हिट रही। 1997 में आई मूवी गुंडागर्दी, बजट 2.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.95 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में आई मूवी हीरो नंबर 1, बजट 6.75 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30.95 करोड़ और ये मूवी सुपर हिट रही। 1998 में आई मूवी छोटा चेतन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.3 करोड़ और ये मूवी एवरेज रही। 1998 में आई मूवी अंटी नंबर 1, बजट 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ और ये मूवी बिलो एवरेज रही। 1999 में आई मूवी न्यायदाता, बजट 75 लाख, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30.34 लाख और ये मूवी डिजास्टर रही। 2000 में आई मूवी बुलंदी, बजट 7 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9.11 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। 2001 में आई मूवी इंतकाम, बजट 55 लाख, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24.13 लाख और ये मूवी डिजास्टर रही। 2011 में आई मूवी नॉटी 840, बजट 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.94 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। 2012 में आई मूवी 4 दिन की चांदनी, बजट 12.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.62 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। 2018 में आई मूवी आ गया हीरो, बजट 8.50 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.39 करोड़ और ये मूवी डिजास्टर रही। तो दोस्तों, ये था हरीश कुमार की हिट और फ्लॉप फिल्में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी